हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल परमार और आज ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पद्मासन यानी कि लोटस पोज करने से कौन से फायदे होते हैं और उसमें कौन सी सावधानियां रखनी है। अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरी हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट। पद्मासन बेनिफिट एंड लिमिटेशंस। पद्मासन के फायदे। मन को शांति प्रदान करता है, पाचन क्रिया में सहायता करता है, कमर दर्द दूर होता है, इससे बुद्धि बढ़ती है एवं सात्विक होती है, चित्त में स्थिरता आती है। जिनकी पाचन शक्ति सही नहीं है उनके लिए यह आसन करने से पाचन शक्ति में वृद्धि होती है, ब्रह्मचर्य पालन में सहायक है। गर्भवती महिलाओं के प्रसव में सहायता करता है, मासिक चक्र की परेशानी को कम करता है, मांसपेशियों के तनाव को कम करता है एवं रक्तचाप को नियंत्रित करता है, जिससे BMR बेसिक मेटाबॉलिक रेट कम होता है। पद्मासन योगाभ्यास से स्मरण शक्ति एवं विचार शक्ति बढ़ती है, इसलिए स्टूडेंट को इन आसनों को जरूर करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने पेट और कमर की चर्बी को कम करना चाहते हैं उन्हें इसका अभ्यास नियमित करना चाहिए। पद्मासन की सावधानियां। जो लोग घुटनों के दर्द, घुटनों का ऑपरेशन और या फिर शरीर में किसी सूजन से परेशान है उन्हें यह आसन नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को ऑस्टियो अर्थराइटिस, कमर दर्द और साइटिका की परेशानी हो वे भी इस आसन को ना करें। अगर आपके टखने यानी एंकल में चोट है तो पद्मासन ना करें। अपनी शारीरिक क्षमता से अधिक जोर न लगाए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।